तो यस फ्रेंड्स, हम लोग फॉर्मूला इनफैक्ट सीरीज का ट्रांजिस्टर का पार्ट टू कर रहे हैं। अब वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं। वोल्टेज गेन को ए वी से लिखते हैं। बेसिकली आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज हुआ, यानी करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन हुआ, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आई आर। तो वोल्टेज गेन है करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। अब करंट गेन तो कॉमन बेस में अल्फा भी हो सकता है और करंट गेन तो कॉमन एमिटर में बीटा भी हो सकता है, पर रेजिस्टेंस गेन कुछ ऐसा ही होगा कि लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है ना, चाहे वो एनपीएन हो चाहे वो पीएनपी हो, उसमें हमेशा आउटपुट और इनपुट में फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। आउटपुट एम्पलीफाइड होता है और सेम फेज में होता है। पर जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है, इसमें इनपुट तो इतना सा है, आउटपुट एम्पलीफाइड है, पर जब ये पॉजिटिव जा रहा है तो ये नेगेटिव जा रहा है, ये फेज डिफरेंस 180 डिग्री है। ये दो बातें काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, वोल्टेज गेन इन डेसिबल्स तो होता है 20 लॉग V2/V1। अगर हम साउंड का फैक्टर देखते हैं, लाउडनेस, तो वो आता है 10 लॉग V2/V1 डेसिबल में। पर वोल्टेज गेन एम्पलीफायर में 20 आता है, वो ध्यान रखिए। साउंड लेवल की बात करते हैं तो 10 लॉग V2/V1 आता है और ये 20 लॉग V2/V1। अगर सीरीज में एम्पलीफायर जुड़े हुए हैं, कैस्केडेड, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो, तो तीन हो तो A1 into A2 into A3 है। जैसे ऑप्टिक्स में टोटल मैग्निफिकेशन M1 into M2 into M3 हो जाता है। वोल्टेज गेन विद नेगेटिव फीडबैक, एक बार नीट में आया है इसका क्वेश्चन, इसलिए कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है विदाउट फीडबैक में वोल्टेज गेन था ना अपॉन 1 plus beta AB, जहां बीटा है फीडबैक फैक्टर। ओके, पावर गेन, पावर के बेसिक फॉर्मूले होते हैं VI I² R V² R। तो पावर गेन होगा वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, करंट गेन का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन, या वोल्टेज गेन का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस गेन। करंट गेन के नाम पे मैं अल्फा भी ले सकता हूँ, बीटा भी ले सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन सवाल में जो भी बातें की। और रेजिस्टेंस गेन तो वही है जो भी आउटपुट रेजिस्टेंस है अपॉन जो भी इनपुट रेजिस्टेंस है। ट्रांजिस्टर एक खास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पावर एम्पलीफिकेशन देता है। ये जो हम बायसिंग में डीसी बैटरीज लगाते हैं ना, उनके पावर को यूज करके एसी में कन्वर्ट कर देता है। हमारा जो स्पीच सिग्नल है ना, हमारा जो स्पीच सिग्नल है वो ऐसा माइक्रो वोल्ट्स में होता है और उसको वो ऐसा बढ़ा देता है। माइक से जब हम बात करते हैं ना, तो ट्रांजिस्टर जो पावर एम्पलीफायर की तरह काम करता है, वो ये चीज पैदा कर रहा है, एनर्जी एम्पलीफाई कर देता है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घटता है, पर पावर कॉन्स्टेंट रहता है। तो ट्रांसफार्मर इज नॉट अ पावर एम्पलीफायर, बट ओनली ट्रांजिस्टर इज अ पावर एम्पलीफायर। वोल्टेज तो बहुत लोग बढ़ा सकते हैं, करंट तो बहुत लोग बढ़ा सकते हैं, पर पावर एक ही चीज बढ़ा सकता है और वो है ट्रांजिस्टर। राइट, तो हम पढ़ रहे हैं ट्रांस कंडक्टेंस। एक तो कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, तो आई बाय वी पढ़ेंगे, वी बाय आई या रेजिस्टेंस, और कंडक्टेंस में आई बाय वी, और ट्रांस पढ़ रहे हैं। तो इनपुट का अगर करंट ले रहे हैं तो आउटपुट का वोल्टेज लेंगे। हम उल्टा करते हैं, आउटपुट का करंट लेते हैं और इनपुट का वोल्टेज लेते हैं, ठीक है। ट्रांस करंट, हम लोग आउटपुट के करंट में इंटरेस्टेड ज्यादा है इस समय और इनपुट के वोल्टेज में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम एक्चुअली इनपुट के वोल्टेज को वेरी करके आउटपुट के करंट में क्या चेंज हो रहा है वो देखना चाह रहे हैं। तो इसको मैं दोनों तरफ आरएल से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। आईसी इंटू आरएल को मैं आउटपुट वोल्टेज कह दूंगा, कलेक्टर करंट इंटू कलेक्टर रेजिस्टेंस आउटपुट वोल्टेज कह दूंगा, और आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज को मैं वोल्टेज गेन कह दूंगा। तो ट्रांस कंडक्टेंस का जो काम का फॉर्मूला है आपका, जो न्यूमेरिकल में एग्जाम में आते हैं, वो एवी बाय आरएल है, इंपॉर्टेंट है। इसमें वो एडिशनली जबरदस्ती एक खास जानकारी और दे देता है, उसको आप इग्नोर कर देना। जो भी एनी अदर इंफॉर्मेशन दी है आपको, सब इग्नोर कर देना। आप बस गेन देखना, दो बार का गेन देगा, दो बार का लोड रेजिस्टेंस देगा, एक बार का कंडक्टेंस देगा और दूसरी बार का कंडक्टेंस मांगेगा। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, दैट इज टू बी इग्नोर्ड। चलिए ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, इनपुट वोल्टेज हम बेस और एमिटर के बीच में लगाते हैं, और उससे इनपुट करंट जो बेस करंट है वो देख रहे हैं, ये माइक्रोएम्पियर का करंट होता है। खैर, इनपुट में हमारे पास एमिटर डायोड, एक फॉरवर्ड बायस डायोड होता है, तो ग्राफ विल बी सेम एज दैट ऑफ अ फॉरवर्ड बायस डायोड। इधर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में ये आउटपुट वोल्टेज है कलेक्टर और एमिटर के बीच में, क्योंकि एमिटर कॉमन लिया है मैंने, तो कलेक्टर का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू एमिटर ये आउटपुट वोल्टेज है, और कलेक्टर करंट में क्या वेरिएशन हो रहा है ये देख रहे हैं।
ये बेसिकली जो कलेक्टर डायोड है दैट इज एसेंशियली अ रिवर्स बायस डायोड, सो द ग्राफ विल बी सेम एज दैट ऑफ अ रिवर्स बायस डायोड, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि हमारी यहाँ वीसीसी वाली बैटरी पॉजिटिव आती है ना, यहाँ ये जो हम कनेक्शन करते हैं, ये जो कनेक्शन करते हैं तो बैटरी पॉजिटिव आती है ना, ये जो कनेक्शन करते हैं बैटरी पॉजिटिव आती है ना, ये बैटरी भी पॉजिटिव है और ये करंट भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। डायोड में अगर बात करते हैं तो ये ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आता था, डायोड में ये ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आता था। अब इस ग्राफ से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इससे बीटा निकाल सकते हैं और बीटा होगा आईसी बाय आईबी, वो करस्पॉन्डिंग ग्राफ से आपको दिख रहा है कि जब ये आईसी है तो ये आईबी है, ये 10 मिली अपॉन 10 माइक्रो, तो बीटा इस समय आ गया 1000। इस ग्राफ से बीटा निकालने को आपको पेपर में दिया जा सकता है, ध्यान से देख लीजिए, अदरवाइज इन ग्राफ्स का कोई मीनिंग नहीं है कंपटीशन में। चलिए हम फाइनली लास्ट बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर का, आपको पढ़ा रहे हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में ग्राफ बना रहे हैं। ये कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इनपुट वोल्टेज से हमारा यहाँ मतलब है एक्चुअली ये जो बेस और एमिटर के बीच में बनता है ना वोल्टेज, जो बेस और एमिटर के बीच होता है ये इनपुट वोल्टेज है, और आउटपुट वोल्टेज जो है वो एक्चुअली कलेक्टर और एमिटर के बीच में, यहाँ से हम आउटपुट ले जाते हैं, और जो इन सब से वीबीबी और वीबीबी लगाया, आईबी आरबी भी कुछ वोल्टेज गिरा, जो बचा वो बायसिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इनिशियली जब हमारा लो वोल्टेज होता है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जब लो होता है तो फिर ये जो एमिटर डायोड है ये इसी को बायसिंग नहीं मिलती है, तो बेस करंट जीरो है तो फिर कलेक्टर करंट भी जीरो है, और अगर कलेक्टर करंट जीरो है, यहाँ हमने केसीएल लगा केवीएल लगा के यही इक्वेशन लिखी है कि वीसीसी माइनस आईसी आरसी इसको जो आउटपुट वोल्टेज, और वही कलेक्टर और एमिटर के बीच का वोल्टेज भी होता है। तो जब शुरू में जब इनपुट वोल्टेज जीरो है तो आई बी जीरो है, और आई बी जीरो है तो आई सी जीरो है, देर इज नो करंट इन द डिवाइस बिकॉज द इनपुट डायोड इज नॉट फॉरवर्ड बायस, तो आईसी को मैं जीरो डाल दूंगा तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा वीसीसी। यहाँ वोल्टेज तो मैक्सिमम है पर यहाँ करंट जीरो है, इस रीजन को कट ऑफ कहते हैं, ये करंट के लिए कट ऑफ है, ये वोल्टेज के लिए कट ऑफ नहीं। बेसिकली ट्रांजिस्टर बोली जाती है इट्स अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस, ये सारे नाम करंट के हिसाब से होंगे, ट्रांजिस्टर इज अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस, ट्रांजिस्टर इज अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस। तो करंट अगर जीरो है तो फॉर से करंट का कट ऑफ बोल रहे हैं, ये ऑफ स्विच है, और इधर जब वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया, हमारा इनपुट वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया है तो ये इनपुट डायोड कंडक्ट कर रहा है, बेस में करंट है तो कलेक्टर में भी अच्छा खासा करंट है, और कलेक्टर में करंट इतना हो सकता है कि आउटपुट वोल्टेज काफी कम हो जाए, कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज तो कम हो गई। तो ग्राफ तो ये वोल्टेज का है पर ये नाम जो है वो करंट के हिसाब से है, करंट जीरो तो ये कट ऑफ और ऑफ स्विच, और यहाँ करंट इस समय मैक्सिमम हो जाता है, जब करंट मैक्सिमम है तो करंट का सेचुरेशन आ गया है, अब आप कुछ भी करके शायद ये उधर के करंट को नहीं बढ़ा सकते, अब आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट बढ़ने वाला नहीं है, करंट का सेचुरेशन आ गया है, और करंट अगर मैक्सिमम है तो इसको हम बोल रहे हैं स्विच ऑन है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर के दो यूजेस हैं, एक तो एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन करता है, ट्रांजिस्टर का बेसिक काम है एम्पलीफिकेशन, और वो इस एक्टिव जो रीजन में होता है जो कि लीनियर रीजन है, जो कि करीब करीब लीनियर रीजन है, इस लीनियर रीजन में ट्रांजिस्टर इज यूज फॉर एम्पलीफिकेशन, और कट ऑफ और सेचुरेशन के को मिला के ट्रांजिस्टर इज यूज एज अ स्विच, ये दोनों मिला के ये स्विच होता है, यहाँ करंट बहुत ज्यादा है, करंट ज्यादा है तो ये ऑन स्विच है, और यहाँ कट वोल्टेज बहुत ज्यादा है पर करंट कम है, और करंट कम है तो ये ऑफ स्विच है, उसे अगर कट ऑफ में इट एक्ट्स एज ऑन स्विच या ऑफ स्विच, तो वोल्टेज जो भी ज्यादा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर वोल्टेज तो होता ही है सप्लाई में, हमारे घर में भी जब वोल्टेज ज्यादा होता है उससे क्या होता है, वोल्टेज तो होता ही है, जब ऑन स्विच हो जाता है तो करंट मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ पे ऑन स्विच है तो करंट मैक्सिमम, और जब ऑफ स्विच हो जाता है तो सर्किट में करंट जीरो हो जाता है, नामकरण
ये जो कट ऑफ है और सेचुरेशन है या ऑफ स्विच है और ऑन स्विच है, इसका फैसला करंट के हिसाब से होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर इज अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस. सो दैट इज ऑल इन ट्रांजिस्टर थियोरी. थैंक यू.